Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching Katha Ankahee. Subscribe to Sony Live channel and hit the bell icon for more updates from Katha Ankahee. मैं आपसे वादा करता हूँ कि बस 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 शायर साहब, बहुत वादे कर चुके हैं आप. अब प्लीज आइए. मुझे पता है आप मेरे लिए ना चांद तारे भी तोड़ के ला सकते. नहीं नहीं, नहीं वो मैं नहीं कर सकता. और जो नहीं कर सकता ना, आप शायरी में भी नहीं कहूंगा मैं. अब आप सच में मेरी हैं. मुझे सपनों की दुनिया में जीने की जरूरत ही नहीं है. आप सच में मेरी हैं. आपका सुख मेरा, आपका दुख मेरा, आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके गोल्स, आपकी खुशियां, आपकी फैमिली, आपका बेटा, आपका बेटा मेरा, आपका सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ आपका. मम्मा, उन्होंने आपके बॉस को मेरा पापा बोला, लेकिन कोई भी किसी भी चलने फिरते इंसान को मेरा पापा कैसे बोल सकता है? मिस्टर रघुवंशी, मेरा बेटा आरव. उठिए चलिए, कम कम विद मी. उसे क्या पसंद है? केक से आइसक्रीम? जस्ट टेल मी दैट मच. नहीं, यू नो व्हाट, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है दैट ही इज प्रीटी स्मार्ट. तो उसे मैजिक पॉपसिकल्स पसंद होंगे, राइट? आई एम प्रीटी श्योर. एक काम करते ना, एक बॉक्स लेके जाते और रेस न्यूज को उसके साथ सेलिब्रेट. कम कम, रुकिए रुकिए रुकिए, रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर. नो, मुझे लगता है कि ना पहले पहले मुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए. उसे उसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद ही आप. या नो नो, आई अंडरस्टैंड, राइट कथा, बट आई एम टेलिंग यू ही इज गोना लव मी. He's gonna love me so much because I'm gonna ensure कि मैं ना उसका best friend बनूंगा. I know. I just thought of it. काफी, I mean काफी difficult होगा ना एक इतने से छोटे से बच्चे को ये बात समझाना. उतना ही मुश्किल होगा जितना आपके लिए आपकी माँ को समझाना होगा. नहीं नहीं, आई मीन माँ तो माँ ही होती है. कितनी देर तक नाराज रहेगी मुझसे? एंड मैं उनको समझाऊंगा कि अगर ये जीने मरने की बात नहीं होती तो मैं. जी, आप अपनी माँ के साथ पेरिस जा रहे थे. पेरिस कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं रहेगा जब तक कि मैं अपनी माँ के साथ एक दूसरा ट्रिप प्लान ना करूँ. इट्स ओके. एंड लिसन प्लीज, आप मुझे अच्छे से जानती है, आप मेरी माँ को भी जानती है. आप जानती है कि मैं उन्हें मना लूंगा, मैं उन्हें पटा लूंगा, लेकिन आरव, I don't know him, and I think it's a little unfair. तो प्लीज मुझे बताइए ना, कब मिला रही आप मुझे? अभी अभी के अभी, come on. Listen, एक काम करते हैं, आप मुझे अपने घर लेके चलिए और मैं उससे मिलूंगा, and then I'll leave immediately. तब उसके बाद आप उसे बता दीजिएगा. I mean, look, in my mind, उसका पूरा हक बनता है ये सब जानने का. और बैटमैन है आपके पास, ये कैसे? आपका बैटमैन ही मेरा आरव है. मेरे आरव के रॉबिन आप ही हैं. और ये बात मुझे कुछ टाइम से पता है. आपका बेटा मेरा बैटमैन. बंदर, क्या चल रहा है दिमाग के अंदर? डोडो, वो गोनी माँ कह रही थी कि आप आजकल उनसे बात नहीं करते. फाल्गुनी बहन ने ऐसा कहा?
अरे कल ही तो उनसे मिली थी, जैसे मिली वो खुद ही बकर बकर करने लगी, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया और कहती है कि मैं नहीं बात करती। ये तो बहुत हो गया, अब तो फाल्गुनी बहन से मिलना ही पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं डूडू नहीं, वो उन्होंने ऐसा नहीं बोला। तो मुझे ऐसा लगा उनके भी माइंड में कुछ ऐसा ही चलता होगा ना। अच्छा, आप इतनी प्यारी हो तो सबका मन करता है आपसे बात करने का, है ना। हाय मेरा बंदर, तेरे छोटे से दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, जरा बोलना तो सच बताना, चलो बोलो। अरे यार डोडो, आज आप जाओ ना गुनी माँ के साथ, टाइम स्पेंड करो, खेलो कूदो, मजे करो, मुझे ना थोड़ा स्पेस चाहिए बस। मतलब बित्ते भर के हो और तुम्हें अभी से स्पेस चाहिए? हाँ। वाह बेटा वाह। डोडो आप ही तो बोलते हो कि जल्दी से बड़ा हो जाओ, बी द मैन ऑफ द हाउस, और अब जब मैन ऑफ द हाउस कुछ कह रहा है तो उसे मानो ना प्लीज। मुझे अकेला छोड़ो। ओहो कितना सोचता है मेरा मैन ऑफ द हाउस। मैं समझ गई कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊँ, लेकिन तुम क्या करने वाले हो जरा ये बताना। कन्वर्जन? नहीं नहीं, कन्वर्सेशन, ग्रोन अप कन्वर्सेशन विद मम्मा। आप लोग भी तो अकेले में ही बातें करते हो ना, कुछ बता दो मुझे। नहीं ना डोडो यार, समझो ना प्लीज, बच्चों जैसी जिद मत करो। ओके मेरे ग्रोन अप स्पेस मैन, मैं जा रही हूँ गुनीमा से मिलने के लिए, बुला लेना मुझे हाँ, जब हो जाए तुम्हारा कन्वर्जन। कन्वर्सेशन, इस बार सही बोला था मैंने। कथा आप यहाँ स्पोर्ट्स क्लब में? स्पोर्ट्स क्लब? हाँ। नो नो नो, मैं एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड यहाँ रहती, मैं तो उससे मिलने आई थी। आप मुझे मिली थी स्पोर्ट्स क्लब? आरव की मम्मा, आई न्यू इट, मुझे इतना स्ट्रॉन्गली फील हुआ उस वक्त, आई न्यू इट। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, इट वाज शॉकिंग, बट एट द सेम टाइम वो सब कुछ इतना खूबसूरत था, इतना बड़ा कोइंसिडेंस था। अब उनके प्लान्स का कोई क्या ही करे। फिर मैं डर गई, मुझे लगा कि उनके प्लान्स में इंटरवीन करके मैं कहीं सब कुछ खराब ना कर दूं। इतनी अनयूजुअल, इतनी प्यारी दोस्ती कहीं मेरी वजह से ना टूट जाए। सो बैटमैन, मम्मा कहती है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। बैटमैन फिर से मुश्किल में आ गया क्या? बस ये चेक कर रहा था कि रॉबिन अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। आरव के लिए ये सब डाइजेस्ट करना इजी नहीं होगा ना? Listen, आप जिसे coincidence कह रही हैं, वो मेरे लिए it's magic। बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं बना, एक रहा है एसन, right? और फिर एक जाके बना, एक सच्चा दोस्त मुझे मिला, वो कौन था? आपका बेटा। You know how crazy that is? Just think, हमने कभी एक दूसरे का नाम नहीं पूछा, उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, मैंने उसका नाम नहीं पूछा। It's just, you was Batman, I was Robin, that's it. You know what this is, right? This is God preparing us. This is the coolest thing in the world. My God, how does this happen? Oh, उन्होंने handpick किया है हमारी family. You know what? I'm sorry. This is destiny. Please, चलिए ना. Please, come on. आओ मेरे को, मैं अपने best friend से बात करनी. Please, come on. No. Won't you wait? Please. But आप उसके दोस्त हैं, लेकिन मैं उसकी माँ।
मुझे पता है कि इस उम्र में बच्चे ना वो उनका बिहेवियर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। But listen, he's... Listen. So, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके इमोशंस वो भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। See, हो सकता है वो ये सब जान के वो खुशी से उछल पड़े या आई नो, पर ये भी हो सकता है कि वो एक शेल में चला जाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.